हमसे इनको इतना खतरा क्यों लगता है? हमारे हाथ में कोई लाठी नहीं है, हमारे हाथ में कोई कोई रिवॉल्वर नहीं है। हमें पता है जो रिवॉल्वर लेकर आते हैं वो किन पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, जो जामिया में गोली चलाते हैं, जो शाहीन बाग में गोली चलाते हैं, हमें पता है वो किन पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले लोग। कि आज सिर्फ मुसलमानों पर खतरा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मुसलमानों के साथ साथ जैन भी खतरे में है, आज मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियंस भी खतरे में है। और सिर्फ धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसान इस देश का खतरे में है, इस देश का मजदूर खतरे में है, इस देश का युवा खतरे में है, इस देश की शिक्षा नीति खतरे में। जो भाजपा में जो अनपढ़ों की जमात आती है ना, वो कहाँ से आती है मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो कई बार ये लगता है कि भाजपा सरकार ने जो है ना अपनी पार्टी का मेंबरशिप यही देख कर देते हैं कि अगर आप स्कूल बिल्कुल भी नहीं गए हो तब हम आपको मेंबरशिप ले लेंगे। उनकी दोगलापंथी मुझे समझ में नहीं आती। एक आप बहुत साफ मुद्दे हैं हमारे, हम बस ये कहना चाहते हैं कि जितने भी ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जितने भी हेट स्पीच हुए और हेट स्पीच के तुरंत बाद आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में एक हफ्ता पहले ही जो है दिल्ली में दंगे होते हैं, एक हिस्से को पूरा जला दिया जाता है, राख कर दिया जाता है। तो हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जितने भी हेट स्पीच करने वाले नारे लगाए गए थे, जितने भी हेट स्पीच देने वाले लोग थे, जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता थे, और सिर्फ भाजपा के नेता को इंगित करके मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जितने भी लोग थे, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो आपका कपिल मिश्रा हो या अभय वर्मा हो, ठीक है, चाहे वो अभय वर्मा हो, इन सभी लोगों के खिलाफ कम से कम FIR हो। क्योंकि भारत के लोगों का एक अधिकार है, वो अधिकार ये है कि कम से कम हम अपने अधिकारों को लेकर, यानी हम जो भी कम से कम हमें अपनी FIR दर्ज कर सकते हैं। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जितने भी हेट स्पीच करने वाले लोग थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, और इसके अलावा CAA, NRC और NPR के खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी है और जारी रहेगा। पर आज आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जो दिल्ली का जो शाहीन बाग है वो लगातार लड़ाई लड़ता रहा है, उसके बाद आप लोग क्या जरूरत पड़े जिस लोग आप लोगों ने लेकर के जो दिल्ली चले गए, जो आप मार्च निकाल रहे हैं, जी आप लोगों का मार्च था रामलीला मैदान से लेकर यहाँ पर, ऐसा क्या हुआ जो आप लोग वहाँ पर जो डिटेन कर दिया गया, वहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सीधी सी बात है, कुछ समय पहले ही, एक दो साल पहले की ही बात है, NGT ने एक नोटिस जारी किया था कि आप सिर्फ जंतर मंतर पर ही टेस्ट नहीं कर सकते, इसके अलावा दूसरा भी आपके पास स्पॉट है, मौजूद है, आप रामलीला मैदान में भी जाकर जो है अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बस मांग ये थी कि हम जितने भी अभी जो हाल फिलहाल में जो दिल्ली में दंगे हुए उसमें हम बस ये कह रहे थे कि जितने भी लोग थे, जितने भी एकताबद्ध तरीके से किसी ने हिंदू ने मुसलमान को बचाया, मुसलमान ने हिंदुओं को बचाया, उस एकता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उस एकता को बढ़ाने के लिए हम आह्वान कर रहे थे। और इसके अलावा क्योंकि ये नागरिकों के खिलाफ जो इन्होंने जो कानून बनाए हैं, चाहे वो CAA का हो, चाहे वो NRC का हो, चाहे वो NPR का हो, हम इसके खिलाफ बस एक पीस मार्च निकालना चाहते थे, और वो भी हमको जो है नहीं निकालने दिया गया। आखिर हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ये इस फासीवादी गवर्नमेंट को हम छात्रों से इतना डर क्यों लगता है? हम जब भी इकट्ठा होते हैं, हम जब भी कुछ न्याय संगत बात करते हैं, ठीक है, तो हमसे इनको इतना खतरा क्यों लगता है? हमारे हाथ में कोई लाठी नहीं है, हमारे हाथ में कोई रिवॉल्वर नहीं है। हमें पता है जो रिवॉल्वर लेकर आते हैं वो किन पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, जो जामिया में गोली चलाते हैं, जो शाहीन बाग में गोली चलाते हैं, हमें पता है वो किन पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले लोग। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास एक अधिकार है, वो है प्रोटेस्ट का, वो है सड़कों पे उतरने का। अगर हमसे वो भी छीन लिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि हम एक डेमोक्रेटिक भारत में रहते हैं, मुझे लगता है हम एक फासीवादी युग में जी रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है आज सिर्फ मुसलमान खतरे में नहीं है। अगर ये हमारे दिमाग में भ्रम बना हुआ है कि आज सिर्फ मुसलमानों पर खतरा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मुसलमानों के साथ साथ जैन भी खतरे में है, आज मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियंस भी खतरे में है। और सिर्फ धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसान इस देश का खतरे में है, इस देश का मजदूर खतरे में है, इस देश का युवा खतरे में है, इस देश की शिक्षा नीति खतरे में। तो
हम बस इतना कहना चाहते हैं, उन सभी लोगों से आह्वान आपके द्वारा करना चाहते हैं कि इन सभी लोगों को आज एक मंच पे आकर हल्ला बोलने की ज़रूरत है। जब तक हम इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, अमित शाह के कानों में जू नहीं रहेंगेगी, मोदी के कानों में जू नहीं रहेंगेगी। तो हमारा जो अधिकार है, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं, हमारे पास प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और उस प्रोटेस्ट के दम पे हम इस भारत में दोबारा से जो कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि ये जो है ये डेमोक्रेटिक सरकार है हमारी, तो मैं इसको डेमोक्रेसी मानता ही नहीं हूँ, ये फांसीवादी बन चुकी है। जब आपको इकट्ठा नहीं होने दिया जाता अपने न्याय संगत मांगों को लेकर, तो ये फांसीवादी गवर्नमेंट है, ये फांसीवादी सरकार है जो लोगों को उनके मुद्दों को भटकाना चाहती है और उनको इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट नहीं करने देती। मौजूदा जो वक्त है, क्या हिंसा दंगा भड़का कर नेताओं की होर में ये समय जो नेताओं को हिंसा भड़काइए, दंगा भड़काइए, नेता बन जाएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर आप, एक तो मुझे नहीं मालूम कि ये जो भाजपा में जो अनपढ़ों की जमात आती है ना, वो कहाँ से आती है मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो कई बार ये लगता है कि भाजपा सरकार ने जो है ना अपनी पार्टी का मेंबरशिप यही देख कर देते हैं कि अगर आप स्कूल बिल्कुल भी नहीं गए हो तब हम आपको मेंबरशिप ले लेंगे। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भैया ये जो अनपढ़ों की सरकार है, ठीक है, इनको पता ही नहीं है कि भैया जब आप अधिकारों का हनन करेंगे तो इस देश का युवा, इस देश के मजदूर, इस देश के किसान सड़कों पे उतरेंगे और आपका जवाब आपका मुंह तोड़ के देंगे, आपका आपको इस तख्ता पलट करके देंगे। आपको नहीं लगता कि 80 दिन से ज्यादा सीए आंदोलन हो गए कि यार एक ऐसी कोर कमेटी बनाई जाए जो सरकार से जाके बात करे? देखिए, सीधी सीधी बात है, अभी कुछ समय पहले भी मुझे नहीं मालूम, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ही जो है मोदी शाह जी ने बोला चुनाव जीतने के बाद, हारने के बाद, कि आइए हम आपको डायलॉग करने के लिए तैयार है। ठीक है, एक तो इनकी दोगलापंती मुझे समझ में नहीं आती। एक आप एक मंच पे खड़े होके, आप इतने इज्जतदार लोग हैं, ठीक है, आप मंच पे खड़े होकर लोगों से ये आह्वान करते हैं कि आइए हम आपको बात करने के लिए तैयार है, लेकिन जब शाहीन बाग के लोग उनके घर की तरफ मार्च करके उनसे बस मिलने के लिए जाते हैं तो आप उनको डिटेन करवा देते हैं, आप उनको जो है उनको वापस भेज देते हैं। रैली नहीं मिल पाएगी, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन क्या उन लोगों को जो मोदी है, जो शाह है, उन लोगों का इस देश के नागरिकों से इतना खतरा है कि वो कुछ लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं है? अगर वो कहते ही है ना कि इस देश सीएए से किसी की नागरिकता का जो है सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी की नागरिकता जाएगी, तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आइए, हमारे दरवाजे आपके लिए 2400 घंटे खुले हैं, चाहे शाहीन बाग का हो, चाहे जामिया का हो, चाहे कानपुर का हो, या किसी भी जगह का हो, ठीक है, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप आइए, आप हमसे डायलॉग कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सरकार, ये जो हमारा कानून है, ये डिविजिव कानून है, ठीक है, इसीलिए आप बात करने से भी घबराते हैं, आप किसी भी सवाल का जवाब देने से भी जो है कतराते हैं। कल के दिन जो है रात के टाइम मोदी जी का ट्वीट आता है कि मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया जो है वो बंद कर दूं। कमाल की बात है, आपने किसी सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, ठीक है, और एक इसको कहते हैं मैदान छोड़ के भागना, ठीक है, जब आपको पता है कि आपकी सरकार जो है और ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली, और जब आपको पता है कि लोग आपके खिलाफ अब आवाज उठाने लगे, ठीक है। सोशल मीडिया से तो बीजेपी ने चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, आखिर वो सोशल मीडिया क्यों छोड़ना चाहते हैं? मुझे नहीं मालूम, मुझे वही तो लगता है ना, कोई और मंशा तो नहीं है? मुझे तो कई बार ये लगता है कि दिल्ली पुलिस ने जो अभी सर्कुलर जो अपने ट्वीट में बोला था कुछ समय पहले कि हम सभी लोगों, अभी जो अफवाह फैली थी 2-3 दिन पहले कि हम सभी लोगों के जो है ना सोशल मीडिया को नजर रखेंगे, मुझे लगता है उसके डर से जो है ना मोदी जी अपना ट्विटर भी बंद कर रहे हैं, अपना सोशल नेटवर्क सारा का सारा बंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी खतरा है कि कहीं ना कहीं वो भी तो नहीं इस चीज में फंस जाएंगे, तो ये एक बात हो सकती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। बहुत समय से चलता रहा है, सब लोग ये कह रहे हैं,
मानना है बहुत लोगों का, जो भाजपा की जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो हिंदू मुस्लिम का लगातार कांड करती रहती है। क्या आपको लगता है कि इस समय भी वही घूम रहे हैं बलात्कारी? सही बात है उनकी। मैंने कुछ समय पहले कुछ इंटरव्यूज देखे थे कुछ बुद्धिजीवियों के, तो वो बता रहे थे कि भाजपा के डीएनए में ही है हिंदू मुसलमान करना, क्योंकि जब आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे ना तो आप चुनाव में भी नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, हिंदू मुसलमान कराने की वजह से जो है भाजपा सरकार दिल्ली में 3 से 8 सीटें जीत जाती है। ठीक है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करा के। हालांकि दिल्ली के लोग इतने समझदार हैं कि उन्होंने सही सरकार को चुना, सही कम से कम उस पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, जो हिंदू मुसलमान करके शाहीन बाग करके वो चुनाव जीतना चाहती थी, उसको रिजेक्ट करने का काम किया है दिल्ली की जनता ने, और कहीं ना कहीं वो विफल हो रहे हैं। और मुझे लगता है ये आने वाले समय में जब ये बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो हो सकता है अब ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो है, बिल्कुल बिल्कुल मिल गए, हम कौन सा कह रहे नहीं मिल गए। ठीक है, हम भी तो यही बोल रहे हैं कि वो भी तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, हम भी उनके ऊपर भी, हमारा हमला उनके ऊपर भी, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि ये जो सरकार है ना, चाहे वो कोई भी सरकार हो, आपके बड़े बड़े वोटों से तो जीत जाती है, ठीक है, आपके फ्री के वायदों से तो जीत जाती है, लेकिन जब आप बात करते हो कि जो है हम अमित शाह के साथ हाथ मिलाएंगे, हम अमित शाह के साथ जो है बात करेंगे, तब मुझे समझ में आ जाता है कि ये जो चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, चाहे वो जदयू हो, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सारे के सारे जो है आने वाले समय में, क्योंकि अब सोच रहे हैं, मुझे भी लगता है कि केजरीवाल जो है अपनी पार्टी का विस्तार दूसरे राज्यों में भी करना चाहते हैं, तो इसलिए वो भी बहुत सेफ पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि जितनी भी दिल्ली में हिंसा हुई है वो बाहर से नहीं आए, हम लोगों के बीच से आए और उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, उसके लिए क्या कहना? एक बार दोबारा से दोहरा देंगे सर आपका। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि दिल्ली में जितनी हिंसा हुई है वो लोग बाहर से नहीं आए हैं, जितने भी हिंसा हुई है उसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारे बीच से निकले हुए, आप उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे बीच से निकले हुए लोग मतलब समाज के बीच से निकले हुए लोग, यही ना? दिल्ली के ही लोग। मुझे लगता है कि कई बार लोगों को ना सिर्फ गोदी मीडिया को नहीं देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो इलाका है जहाँ पर भी ये हिंसा हुई है, जहाँ पर भी ये दंगे हुए हैं, वो सारा का सारा जो एरिया है ना वो गाजियाबाद के नज़दीक पड़ता है, और हमें पता है कि आरएसएस का काम गाजियाबाद में कितना एक्टिव है। ठीक है, जब ये कॉल आता है कपिल मिश्रा जब वहाँ पर जाके डीसीपी के साथ खड़े होकर जब ये बोलते हैं कि भैया जो है आधे हम ट्रंप के जाने तक जो है चुप रहेंगे वरना हम आपको देख लेंगे, ये किस तरीके का बयान है मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद तुरंत आधे घंटे के अंदर, गाजियाबाद आधे घंटे की दूरी भी नहीं है वहाँ से, सारे के सारे लोग वहीं से आए हैं, और जब आप विक्टिम्स से बात करते हैं ना, दिल्ली में जितने भी दंगे हुए उनसे जब बात करते हैं तो उनसे अगर आप पूछेंगे ना कौन लोग थे, तो वो भी बताते हैं हमें नहीं पता ये कौन लोग है, हमने उनको कभी देखा ही नहीं है। तो इसका मतलब जब आप ये कहते हैं ना मोहन भागवत जी कि ये हमारे बीच के लोग है, तो मुझे लगता है वो अपने लिए ये बात इंगित कर रहे थे कि वो आरएसएस के ही लोग थे। सर एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मोहन भागवत ने कहा था कि सन 2024 में हिंदू राष्ट्र की तरह आगे देश को बढ़ाएंगे, क्या आपको लगता है वो समय आ चुका है? इनकी जो सोच है ना उसके ऊपर पानी फेरने का काम इस देश का युवा करेगा, इस देश के किसान करेंगे, इस देश के मजदूर करेंगे। सोचते रहे, कुछ भी सोचने दो यार इनको, ठीक है, सोचते रहे, हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते रहे। हमें पता है जब दिल्ली में दंगे होते हैं तो हिंदू मुसलमान को बचाता है और मुसलमान हिंदू को बचाता है। अगर इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है ना तो उस एकता को पहले तोड़ना पड़ेगा, और वो एकता इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली। जब दंगों में आप उस एकता को नहीं तोड़ पाए तो क्या ही आप अंदाजा लगाएंगे कि आने वाले समय में ये अपने गंदे इरादों को जो है वो अंजाम दे पाए। ठीक, शुक्रिया।